हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे जेंडर। जेंडर क्या होता है और जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं। जेंडर फोर टाइप्स के होते हैं। एक है मस्कुलाइन जेंडर, दूसरा है फेमिनाइन जेंडर और थर्ड है न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर तीन जेंडर के बारे में सिखाने वाली हूँ। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। The masculine gender refers to all male persons and animals. अब masculine gender का मतलब होता है male. Male यानी जो लड़के लोग होते हैं, मानस लोग बोलते हैं गुजराती में, मानस लोग या तो फिर male person होता है उसके बारे में जो बताता है, male animal, male person के बारे में यानी जो बॉय है उसके बारे में बताता है वो होता है मस्कुलाइन जेंडर। जिसे बॉय, एग्जाम्पल यहाँ लिखा है मैंने, वो लड़का है। किंग, राजा, वो भी किसमें आता है, लड़के के अंदर। कॉक, कॉक यानी मुर्गा, वो भी मस्कुलाइन में आएगा। और लॉयन, लॉयन भी मस्कुलाइन, जो मतलब में मेल टाइप के होते हैं वो सारे किसमें आएंगे, मस्कुलाइन के अंदर आएंगे। अब नेक्स्ट, द फेमिनाइन जेंडर रेफर्स टू ऑल फीमेल पर्संस एंड एनिमल्स। अब फेमिनाइन जेंडर किसको रेफर करता है, फीमेल। फीमेल मींस जो लड़की, जो लेडीज होती है, लेडी एनिमल होता है या लेडीज होती है, तो उस फेमिनाइन जेंडर उसको बोला जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, गर्ल लड़की है, क्वीन यानी रानी वो भी लड़की है, हैन, हैन यानी मुर्गी, मुर्गी अंडा देती है तो वो भी लड़की में आएगी, लॉयन तो वो भी लॉयन, यहाँ पर लॉयनिस आएगा, लॉयनिस यानी शेरनी, और लॉयन यानी शेर वो लड़के में आएगा, और लॉयनिस तो लड़की के अंदर आएगा यानी फीमेल पर्सन के अंदर आएगा। अब फीमेल यानी जो लेडीज होते हैं वो फीमेल, और जो लड़के लोग होते हैं, जेंट्स होते हैं, वो मस्कुलाइन में आएंगे। अब न्यूट्रल जेंडर, द न्यूट्रल जेंडर रेफर्स टू ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि पेन है, वॉच है, दुपट्टा है, मेरा ड्रेस है, जो मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है जितनी भी, वो उसको सबको क्या बोला जाता है, न्यूट्रल जेंडर। तो यहाँ एग्जांपल दिया है मैंने, टेबल, बुक, एयर, रॉक, रॉक यानी बहुत बड़ा पत्थर। तो ये सारी चीजें किस पे आएगी, नॉन लिविंग थिंग्स, न्यूट्रल जेंडर के अंदर आती है। तो अभी आपको ये जो मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, ये तीन आपको समझ में आए होंगे। अब मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, उन वर्ड्स को मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर में हमको ढूंढकर लिखना है। अब मस्कुलाइन यानी जो जेंट्स लोग होते हैं, जो मेल पर्सन में आते हैं, वो सबको इधर लिखना है, और फीमेल यानी जो लेडीज होगी उसको यहाँ पर, और नॉन लिविंग थिंग्स होगी वो न्यूटर के अंदर आएगा। ओके, अब टेलीफोन टेलीफोन क्या है, एक चीज है, नॉन लिविंग थिंग है, तो उसको इधर लिखेंगे न्यूटर के अंदर, टेलीफोन। ओके, नाउ नेक्स्ट, फादर। फादर किसके अंदर आएगा, फीमेल के अंदर आएगा कि मेल के अंदर, मेल। अगर लड़के लोग होते हैं तो वो सारे मेल में आते हैं, तो फादर। नेक्स्ट, आंट। आंट किस में आएगा, आंट लेडीज है, अगर लेडीज हो तो किस में लिखना है, फेमिनाइन के अंदर, आंट। नेक्स्ट, सिप। सिप क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, तो उसको हम लोग लिखेंगे न्यूटर के अंदर। ओके, देन ब्रदर। ब्रदर यानी भाई।
भाई किस में आएगा, मस्कुलाइन में के फेमिनाइन में? मस्कुलाइन में आएगा, मानस लोग आदमी होते हैं, बॉयज होते हैं तो वो मस्कुलाइन में आते हैं, ब्रदर। नेक्स्ट हैन, हैन मुर्गी, मुर्गी क्या करती है, अंडा देती है, तो वो जो अंडे देते हैं वो सब लेडीज में आते हैं, तो उसको हम लिखेंगे फेमिनाइन के अंदर। कॉक, कॉक यानी मुर्गा, मुर्गा किस में आएगा, मस्कुलाइन के अंदर, कॉक। देन बुक, बुक इज ए नॉन लिविंग थिंग सो इट विल कम इन न्यूटर जेंडर। पोस्टमैन, पोस्टमैन क्या है, आदमी है, तो आदमी है तो मस्कुलाइन के अंदर, पोस्ट मैन। नेक्स्ट नर्स, नर्स क्या है, एक लेडी है, तो लेडीज है तो किस में लिखेंगे, फेमिनाइन के अंदर, नर्स। देन पेंसिल, पेंसिल एक चीज है, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है तो न्यूटर के अंदर। नेक्स्ट लायनिस, लायनिस यानी शेरनी, शेरनी किस में आएगा, फेमिनाइन के अंदर, अगर लायन होता है तो वो मस्कुलाइन, और यहाँ पर लायनिस है, लायनिस है तो वो किस में आता है, फेमिनाइन के अंदर। आज हमारा जो ये जेंडर का कॉन्सेप्ट था उसमें तीन चीज मैंने सिखाई, मस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर, ये तीन चीज आपको समझ में आई होगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे वीडियो को एक लाइक करना और मेरी चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।